हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर और एक्सरसाइज थ्री भी स्टार्ट कर दें। ओके, यहाँ पे बेटा हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन फाइव तक के हमने देखा था, आज हम क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है, राइट डाउन द प्राइम नंबर। आपको क्या बताना है, प्राइम नंबर। ओके, बिटवीन यानी बीच में आपको प्राइम नंबर बताना है, किसके बीच। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं, 1 और 20 के बीच, 28 और 44 के बीच, 30 और 120 के बीच। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तभी तो आप इन दो नंबरों के बीच के प्राइम नंबर निकाल पाएंगे। ओके, याद होगा हमने पिछले वीडियो में प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताए थे, सभी याद करिए कि क्या होती है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। देखिए बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल में आता है ना। वन की टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, बट उसको छोड़कर जो अदर्स नंबर है वो खुद की टेबल में आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, 1 और 20, मतलब हमें प्राइम नंबर बताना है। किसके बीच का प्राइम नंबर बताना है, 1 और 20 के बीच का, मतलब 1 और 20 के बीच ऐसे कितने नंबर है जो खुद की टेबल में आते हैं, चलिए बताइए। 1 और 20 के बीच में, इसमें 1 और 20 शामिल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपको 1 और 20 को छोड़कर उसके बीच का बताना है। तो 1 के बाद क्या आता है, 2। 2 क्या खुद की टेबल में आता है, हाँ आता है। किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 2 लिख दीजिए। 3 खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। अब 3 के बाद 4 क्या, 4 खुद के टेबल में आता है, हाँ हम जानते हैं आता है, पर 4 2 की टेबल में भी तो आता है ना। प्राइम नंबर की कंडीशन में जो नंबर ले रहे हैं वो खुद के टेबल में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5, 7 हो गया, और कौन खुद के टेबल में आता है, 9। नो, 9 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है। 10 भी नहीं लिख सकते, 11 खुद के टेबल में आता है। 13 क्या 15 ले सकते हैं, बताइए यहाँ पे 15 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 15 5 के टेबल में भी आता है ना। 17 लिख दीजिए, और 19, 1 और 20 के बीच ये ऐसे नंबर है जो खुद के टेबल में आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमने फर्स्ट बता दिए, सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट टू प्राइम नंबर, मतलब आपको प्राइम नंबर लिखना है, टू जो खुद की टेबल में आता है वो प्राइम नंबर कहलाता है ना। हुज प्रोडक्ट इज द बिगेस्ट इवन नंबर, मतलब जिसका प्रोडक्ट एक बहुत बिगेस्ट मतलब बड़ा हो, है ना, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं, है ना, हमने आपको बताया था इवन नंबर क्या होते हैं, याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, प्राइम नंबर या बोल सकते हो प्राइम नंबर हैव टू फैक्टर, प्राइम नंबर के टू फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर जो खुद की टेबल में आ रहा है। ओके, वैसे तो 1 की टेबल में सभी आते हैं तो जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, प्राइम नंबर जिसके टू फैक्टर होते हैं, है ना, एक 1 और दूसरा वही नंबर जिसकी आप बात कर रहे हो जो खुद की टेबल में आता है, समझ में आ रहा है। या फिर आप 1 को यदि, है ना, माइंड में नहीं भी लाते हो तो दूसरे तरीके से ये याद कर सकते हो कि जो खुद की टेबल में आ रहा है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि वो क्या कह रहा है, फिर सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए, राइट टू प्राइम नंबर, मतलब आपको टू प्राइम नंबर यहाँ पे लेना है। ठीक है, थोड़ा रफ बता देते हैं, इसको लिखना नहीं, टू प्राइम नंबर मतलब आपको ये समझ लीजिए, पी को हम प्राइम नंबर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, टू प्राइम नंबर लेना है, हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट मीन्स इनटू, हुज प्रोडक्ट इज बिगेस्ट इवन नंबर, मतलब जिसका प्रोडक्ट क्या हो, एक बिगेस्ट इवन नंबर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब वो 2 के टेबल में आए, है ना, जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। अब कंडीशन दे दिया है कि वो 16 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 16, है ना, लेस देन 16, मतलब 16 से क्या हो, छोटा हो, पर ये इवन नंबर हो।
16 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद की मतलब सॉरी जो 2 की टेबल में आता है। 2 का टेबल सभी को याद है, 2 की टेबल में 16 से छोटा कौन सा नंबर है जो 2 की टेबल में आता है। 14 है ना, 14 है ना। यहाँ पे अपन जानते हैं कि 16 से छोटा नंबर है इवन नंबर है ना, जो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 16 से छोटा आप बोल रहे 15 होता है मैम। तो बेटा यहाँ 5 जैसे 15 लिखे, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। फिर उससे छोटा क्या है, 16 से छोटा नंबर क्या है, 15। 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता, 15 से छोटा क्या है, 14, जो 2 से डिविजिबल है। अब कंडीशन क्या बोला है यहाँ पे, 14 तो आए बट इवन नंबर सॉरी प्राइम नंबर का जब आप प्रोडक्ट मतलब इंटू करेंगे तब 14 आना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ ऐसे कौन से दो नंबर ले जो खुद की टेबल में आते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 14 आए, जो प्राइम नंबर हो मतलब जो खुद की टेबल में आ रहे। तो एक 2 और एक 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल में तो आता ही है, साथ ही खुद के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता। और 17, 2 7 से क्या होता है, 14 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहीं से लाइन उठा के लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको कि यहाँ पे लिख लीजिए द सॉल्यूशन है ना, किसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे लिखना है द बिगेस्ट इवन नंबर, द बिगेस्ट इवन नंबर, ठीक है, किससे छोटा, इवन सॉरी यहाँ पे नंबर लिख दीजिएगा, इवन नंबर लेस देन 16, क्या है 16 से छोटा जो इवन हो, जो 2 से डिविजिबल हो, 14 है ना। अब यहाँ पे साइड में क्या लिख लीजिएगा, टू प्राइम नंबर हुज प्रोडक्ट इज 14। यहाँ पे अपन ने क्या देखे थे, टू प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट 14 है, सो कौन सा नंबर है बताओ, इज 2 एंड 7। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, विच यानी है ना, इसमें मतलब विच इज द स्मॉलेस्ट मतलब कौन सा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, आपको ये बताना है। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा तो है ही। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑड कंपोजिट नंबर, जैसे इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 के टेबल में आए, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में ना आए। अब यहाँ पे वो ऑड हो, साथ ही साथ क्या हो, कंपोजिट हो। कंपोजिट मतलब है ना, खुद के टेबल के साथ साथ दूसरे के भी टेबल में आए। बताइए ऐसा कौन सा है, चलिए दिमाग लगाइए, दिमाग में आया ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, बताइए, जो ऑड भी हो, कंपोजिट मतलब खुद के साथ साथ दूसरे के भी टेबल में आता हो, बताइए, और सबसे छोटा हो। आया कुछ दिमाग में, सोचिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, पीछे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए, क्या हम 9 लिख सकते हैं, 9, क्योंकि देखिए ये ऑड भी है, ऑड भी है, और साथ ही साथ क्या है, एंड ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको नंबर नंबर आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर, ऑड मीन्स जो 2 के टेबल में ना आए, 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। कंपोजिट नंबर मतलब खुद के साथ साथ दूसरे के टेबल में भी आए, 3 के टेबल में भी आता है ना खुद के साथ साथ, है ना, और सबसे छोटा भी है। ऑड नंबर हम जानते हैं, देखिए ऑड नंबर आप क्या जानते हैं ऑड नंबर के बारे में, जो 2 के टेबल में ना आए, मीन्स 1 3 5 7 है ना, 9 एंड 11, आपके पास क्या आ गया, 13। अब इसमें सबसे छोटा बताना है जो
देखो ऑड तो हो, अपन तो ऑड की कंडीशन में 3 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, बट हमने 9 ही क्यों लिखा? क्योंकि ऑड के साथ साथ कंपोजिट भी होना चाहिए, मतलब खुद के साथ साथ दूसरे की टेबल में भी आए। देखिए 5 खुद की टेबल में आता है, 3 भी खुद की टेबल में आता है, 7 भी खुद की टेबल में आता है, बट 9 ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? राइट डाउन 2 प्राइम नंबर। आपको 2 प्राइम नंबर लिखना है जिसका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। जिसका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। अब 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो? 1 हो, बताइए कौन सा नंबर होगा जिसको माइनस करने पर 1 आए? 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस करना है, उसका माइनस कितना होना चाहिए? 1। तो आप ले सकते हो 3 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे जब आप 3 और 2 को माइनस करोगे तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? 1। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद बताइए, बनाइएगा ठीक है, जिसका डिफरेंस 3 हो। क्वेश्चन नंबर 11। राइट डाउन ट्विन प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 50। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? हमने आपको बताया था ट्विन प्राइम्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम फिर से डेफिनेशन लिख दिए हैं। ओके ट्विन्स प्राइम्स, इसके डेफिनेशन अक्सर भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्विन प्राइम्स क्या होता है, यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, मतलब उसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर लेने जो कंसेक्यूटिव भी हो ऑड भी हो, मतलब वो 2 की टेबल में ना आए, और प्राइम भी हो जो खुद की टेबल में आए। तो जैसे ये 5 और 7 देख रहे हैं, 5 और 7 खुद की टेबल में आते हैं ना, ऑड मीन्स 2 की टेबल में नहीं आ रहे, और प्राइम मीन्स जो खुद की टेबल में आते हैं, वैसे ऑड मीन्स जो 2 की टेबल में नहीं आते और प्राइम मीन्स जो खुद की टेबल में आते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है तो ये याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन पॉइंट क्या बोला था, यहाँ पे आपको ट्विन प्राइम्स बताना है जो 40 और 50 के बीच में है। तो अच्छा ये बताइए, चलिए पेयर बनाते हैं जो 2 के, यहाँ पे कंसेक्यूटिव मतलब देखिए यहाँ पे 5 के बाद यहाँ देखिए ऑड है ना, 5 के बाद 6 जो ऑड नहीं है डायरेक्टली 7 है, 3 के बाद 4 छूट गया 5 आ गया, मतलब 1 के बाद 1 है ना, लगातार वो जारी हो है ना। यहाँ पे देखिए जैसे ये कंडीशन आ गई आपके पास, आपने मान लिया ये 5 हो और उसके बाद डायरेक्टली क्या हो जो खुद 11, ऐसा नहीं हो, क्योंकि देखिए इसके बीच में भी 5 के बाद 7 है जो खुद की टेबल में आता है ना, ये छूटना नहीं चाहिए कंसेक्यूटिव, मतलब देखिए है ना 1 के बाद 1। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि डायरेक्टली देखिए 6 नहीं ली, डायरेक्टली उसके बाद आया 7 जो प्राइम नंबर है ना, वैसी उसके बाद डायरेक्टली आना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ पे देखिए अपन को क्या बोला है कि ट्विन प्राइम नंबर 40 और 50 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं, है ना, ट्विन प्राइम्स नंबर लिखने हैं। तो आपको ऐसे पेयर ढूंढने होंगे जो ऑड हो, मतलब 2 के टेबल में ना आए और खुद की टेबल में आए, है ना, ऑड मतलब 2 के टेबल में ना आए, खुद के टेबल में आए और वो 40 और 50 के बीच में हो। ठीक है, तो वो डेफिनेशन थी बच्चों, ऊपर लिखना हो इस सॉल्यूशन के तो लिख लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे चलिए देखते हैं 40 और 50 के बीच ऐसा कौन सा नंबर है, सोचिए 40 और 50 के बीच, 40 और 50 हाँ, 40 और 50 के बीच में जैसे 41, क्या ये 2 के ऑड नंबर है, क्या ये 2 की टेबल में आता है? हाँ नहीं आता तो 41 लिख लीजिए। 41, 42 हाँ 2 की टेबल में आता है। 43 क्या 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। 43 खुद की टेबल में आता है? हाँ। तो किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता, तो डायरेक्टली 43। ओके 44 2 की टेबल में आता है जो ऑड नहीं है, अपन को तो ऑड भी चाहिए प्राइम भी चाहिए, ये दोनों चाहिए, ऑड प्राइम मीन्स दोनों की कंडीशन होनी चाहिए है ना, और कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए। अब देखिए 43 के बाद 44 2 की टेबल में आता है, 45 5 की टेबल में आता है, 45 अपने टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, 47 बताइए क्या 47 आता है? अगर आप यहाँ पे लिख लीजिए 47 लिखेंगे है ना, ठीक है, तो देखिए 47 खुद की टेबल में तो आता है, साथ ही साथ
47 के बाद उसका एक और टू ट्विन प्राइम मतलब दो नंबर होना चाहिए, 47 के बाद 48 तो 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, वो लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए नंबर तो ये 2 से डिविजिबल होगा, होगा ना। तो आपको ऐसा पेयर बनाना है जो ऑड हो, मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो और खुद की टेबल में आए। तो देखिए 47 खुद की टेबल में तो आता है ना, और कंसेक्यूटिव लेना है मतलब इसके बाद में बाद का है ना, 40 यानी एक एक का एक एक नंबर का गैप हो रहा है ना इसमें, 47 के बाद 48 ये तो 2 के टेबल में आता है, 48 के बाद क्या होता है 49, चलिए लिखिए 49। अब देखिए आप एक चीज देखिए कि 49 खुद की टेबल में आता है, हाँ आता है, साथ में 7 की टेबल में भी आता है ना, 49 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, क्या ये प्राइम होगा? ऑड तो है, 2 की टेबल में नहीं आता, बट क्या प्राइम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 2 की टेबल में आते हैं ना, 2 नंबर की टेबल में, 7 की टेबल में भी आते हैं और 49 की टेबल में भी आते हैं, तो ये पेयर नहीं होगा। ओके, क्लियर बच्चों? चलिए यहाँ पे है ना, देखिए जो कंसेक्यूटिव कंडीशन में देखिए यहाँ पे 41 के बाद 42 छूट रहा है, फिर 43, वैसे ही हम यहाँ पे इसको ले सकते थे बट नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये तो ऑड है, ऑड है दोनों, बट 49 प्राइम नहीं है, क्योंकि 49 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में आता है, तो ये सिर्फ एक पेयर, ये वाला पेयर लिख लीजिएगा, ठीक है ओनली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 11 था ना, 11 कर लीजिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है आपको, क्या करना है? सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, ऑड यानी खुद की टेबल, सॉरी 2 की टेबल में ना आए और प्राइम मतलब जो खुद की टेबल में आए, जैसे ये 30 है, इसको आपको तोड़ना है दो पार्ट्स में, जो खुद की टेबल में आए और साथ साथ वो 2 की टेबल में ना आए, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है ऑड प्राइम ना। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको तोड़ते हैं, ऑड मतलब 2 की टेबल में ना आए और प्राइम मतलब जो खुद की टेबल में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 13 एंड 17, क्योंकि प्लस करने पर तो वही आना चाहिए ना, 13 और 17 को चलिए प्लस करके देखिए, 30 आएगा ना, और साथ ही साथ ये देखिए ऑड भी है, 2 की टेबल में नहीं आता और प्राइम भी है मतलब जो खुद की टेबल में आता है। ओके, और दूसरा पेयर देखिए आप और क्या बना सकते हो यहाँ पे, देखिए है ना, यहाँ पे और पेयर बनाने की कोशिश कीजिए, वैसे तो पेयर नहीं बनेंगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, और प्राइम और ढूंढने पर वो 30 आना चाहिए, बाकी कर लेंगे खुद, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, आपको यहाँ पे को प्राइम बताना है, क्या बताना है? को प्राइम, भाई को प्राइम क्या होते हैं? ओके, तो ये आपको पहले जानना पड़ेगा कि को प्राइम क्या होते हैं। तो यहाँ पे को प्राइम की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले यहाँ आपको को प्राइम की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी है ना, को प्राइम, क्योंकि बच्चों भूल जाते हो, पढ़ते नहीं हो है ना। तो यहाँ पे देखिए को प्राइम की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिए है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए टू होल नंबर जिसमें जीरो भी शामिल हो है ना। तो यहाँ पे लिखिए टू होल नंबर आर सेड क्या कहलाते हैं? को प्राइम। अब बोलोगे अरे मैम ये दो होल नंबर को हम को प्राइम कहते हैं? नहीं, इसके आगे भी कंडीशन है, ठीक है, आर सेड को प्राइम इफ, यदि है ना, दे हैव, यदि है ना, उनके नो कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, वन को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपन ने, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लिए है ना 3 और 5 है ना, इसका फैक्टर बताओ, 3 किसके टेबल में आता है? ओनली 1 के टेबल में आता है, और 3 किसके टेबल में आता है? 3 के ही टेबल में आता है, और 5 किसके टेबल में आता है? 5 के ही टेबल में आता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे दूसरा अपन ले लेते हैं 5
फाइव है ना, ये क्या होगा, ठीक है, को प्राइम की कंडीशन फाइव और सिक्स ले लीजिए, ठीक है, फाइव और सिक्स क्या को प्राइम होंगे, यहाँ पे देखिए फाइव फाइव है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ टेन ले लीजिए ना, टेन, ठीक है, फाइव फाइव की टेबल में आता है, वन और फाइव की टेबल में आता है ना, और ये जो टेन है वो किस किस की टेबल में आता है, वन टू फाइव, ठीक है। अब देखिए क्या ये को प्राइम होगा, बताइए, चलिए इसको हम है ना थोड़ा वेट करते हैं ये जानने के लिए। अब हम थोड़ा सा आपको और ये क्वेश्चन के एग्जांपल देते हैं ना, फिर उससे बताइएगा कि होते हैं कि नहीं, ओके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट था वो क्या था, 18 और 35। अब देखिए चलिए फैक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फैक्टर, फैक्टर मीन्स यहाँ पे देखिए है ना किसकी टेबल में आते हैं, 18 टू के टेबल में आते हैं है ना, थ्री के टेबल में आता है 18, सिक्स की टेबल में आता है और नाइन की टेबल में आता है, वन की टेबल में भी आता है, वन को कैसे छोड़ सकते हैं, और ये 18 की टेबल में आता है, क्लियर। अब 35 देखिए, 35 किसके टेबल में आता है, वन की टेबल में, तो आएगा हर नंबर वन की टेबल में आते हैं, फिर अपना फाइव, फिर अपना क्या 35। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली वन, ओनली वन, हमने क्या डेफिनेशन पढ़े थे कि है ना हैव नो कॉमन फैक्टर, किस मतलब कॉमन फैक्टर ना हो, क्या कॉमन मतलब है ना कुछ कॉमन दिख रहा है जो दोनों में नहीं है, अदर देन वन मतलब वन को छोड़कर है ना, वन को छोड़कर क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, है ना, तब ये क्या कंडीशन कहलाएगी, को प्राइम कहलाएगी, है ना, को प्राइम, ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स, ठीक है। अब बताइए क्या यहाँ पे कंडीशन फाइव और टेन का पेयर है ना, इसका फैक्टर क्या है, वन और फाइव है, टेन का फैक्टर क्या है, वन टू फाइव है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, ये वन है और कॉमन क्या है, फाइव। अरे यहाँ तो अपन ने क्या पढ़े थे, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन को छोड़कर, यहाँ तो फाइव भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बन जाएगा, क्लियर हो गया ये, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, राइट 221 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब 221 को तोड़ना है प्राइम नंबर में, टू प्राइम नंबर मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए जो खुद की टेबल में आता है, ठीक है। चलिए बताइए, ये आप खुद सोचिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इंटू करने पर 221 आए, है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड वन परफेक्ट नंबर, आपको परफेक्ट नंबर बताना है, ठीक है, बिटवीन वन एंड थर्टीन, आपको वन और थर्टी के बीच परफेक्ट नंबर बताना है, एक्सेप्ट सिक्स, यहाँ पे क्या कंडीशन बोला है, एक्सेप्ट सिक्स। सबसे पहले तो हम परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, क्या होता है ना परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है बच्चों, सम होता है फैक्टर का। अब फैक्टर ठीक है किसका, एक नंबर का, जैसे हमने यहाँ पे देख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ द सम, किसका सम, सम ऑफ ऑल फैक्ट, फैक्टर मीन्स जिसके टेबल में आते हैं ना, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर मतलब नंबर के फैक्टर का सम, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर, इज ट्वाइस द नंबर मतलब है ना, ये एक मान लीजिए है ना, अब वहां एक्सेप्ट सिक्स, सिक्स को छोड़कर बताना है ना, तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखते हैं ना बच्चों, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, डेफिनेशन हम सिर्फ समझाने के लिए आपको डेफिनेशन लिखवा रहे हैं ना, ओके, आप पीछे लिखे हैं तो उसके अलावा भी आप लिखिए, क्योंकि वो चीज आपकी रिवाइज होती है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट सिक्स, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, सिक्स देखिए, सिक्स किस किस के टेबल में आता है, वन टू थ्री,
अब इन दोनों को प्लस, इन तीनों को क्या कीजिए, प्लस कीजिए, और सिक्स की टेबल में भी आता है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे सिक्स किसके टेबल में आता है, 1, 2, 3, 6। ओके अब देखिए इन यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, यहाँ पे नोटिस कीजिए सम ऑफ ऑल फैक्टर, हमने फैक्टर लिख लिए मीन सिक्स के फैक्टर जो है ना, सिक्स किसके टेबल में आता है, 1, 2, 3, 6। अब यहाँ पे क्या बोला है सम, यहाँ पे नोटिस कीजिए सम मतलब प्लस कीजिए इनको, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 6 आंसर कितना आ रहा है, 18। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट नोटिस कीजिए, जो आपने फैक्टर लिए थे उसका सम, किसका किसका फैक्टर, एक नंबर का लिए थे ना, अब क्या बोला वो जो नंबर है इज ट्वाइस द नंबर, मतलब यहाँ पे सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब सम है ना नंबर के फैक्टर का जो सम है वो ट्वाइस है, मतलब ये जो सम है वो ट्वाइस है मतलब दुगना है, किससे, द नंबर मतलब इस नंबर से, इस नंबर ठीक है नंबर का ट्वाइस है वो, है ना ये जो नंबर है उसका ट्वाइस मतलब 2 से 2 ट्वाइस मतलब 18 ही आ रहा है ना। अब बट कंडीशन क्या दे दिया है इसमें, एक्सेप्ट 6 मतलब 6 को छोड़कर और कौन सा नंबर है, 6 को छोड़कर और कौन सा नंबर है आपको ये बताना है 1 और 30 के बीच। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है बताइए, क्या आप खुद सोचेंगे कि हम बताएं, चलिए हम बता देते हैं ना, इतना दिमाग यूज नहीं कर पाओगे घर में बैठे बैठे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 परफेक्ट नंबर मतलब वो बिटवीन 1 और 30, 1 और 30 के बीच का नंबर होना चाहिए 6 को छोड़कर, तो क्यों ना हम यहाँ पे देखें कुछ 1 और 30 के बीच का, ठीक है आप यहाँ पे 25 तो ले नहीं सकते, ठीक है 25 हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 और 5 की टेबल में आता है ना, उसको जब आप जोड़ोगे तो कुछ समथिंग समथिंग 13 आएगा, वो दुगना हो ही नहीं सकता। ओके अब यहाँ पे देखिए चलिए हम थोड़ा सा यदि 28 ले ले, आपको खुद सोचना है हर एक नंबर का निकालना है, हम बता रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है 28 किसके टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 14 की टेबल में आता है, 28 की टेबल में आता है। अब इन सब को जोड़िए, ठीक है सम ऑफ फैक्टर लिख लीजिए, सम ऑफ फैक्टर, चलिए प्लस कीजिए 1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 14 + 28। ओके अब इन सब आपको प्लस कीजिए, 1 + 2 = 3, 3 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताइए, 7 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14 है ना, उस 14 में ये 14 को जोड़ोगे तो 28 आएगा, उस 28 में इस 28 को जोड़ोगे तो समथिंग 56 आएगा, 56 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 62 आएगा, 62 कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट है ना फिर से अपन ट्राई करते हैं, 1 + 2 = 3 या फिर आप डायरेक्टली इसको जोड़िए पहले, 4 और 2 कितना होता है 6 और ये 6 कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 है ना, 12 हो गया, ठीक है इस 12 को लिख लीजिए। अब यहाँ पे 7 और 14 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, और ये 28 + 1 कितना होता है, 29 होता है, 29। अब इन दोनों को जोड़िए, 12 और 21 कितना होता है बताइए, 33 होता है, 33 उस 33 में 29 को जोड़ते हैं। यहाँ पे एक नोटिस कीजिएगा बच्चों, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 6 की टेबल में 28 नहीं आता ना, सॉरी जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ओके हो जाती है मिस्टेक यहाँ पे है ना, तब थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अपन प्लस कर रहे थे तो थोड़ा ज्यादा आ रहा था ना, इसका जो 28 का जो ट्वाइस होता है 56 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 और 14 कितना होता है, 21 होता है। अब यहाँ पे 4 + 2 कितना होता है, 6 + 1 = 7 + 7 और ये 14 कितना होता है, 21
और ये 28। अब देखिए यहाँ पे 7 और 21 कितना होता है, 28 प्लस 28 कितना होता है बच्चों, 56 हो जाएगा 56। अब देखिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 28, क्या ये 28 का ट्वाइस है ना, ट्वाइस ऑफ 28, 28 का ट्वाइस है ना। यदि 28 में आप ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 56 तो आएगा ही ना, तो ये क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। ओके क्लियर, ओके।